तो सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो नाम अपने आप में काफ़ी है अपना मीनिंग बताने के लिए. दैट इज़ फोटो पीरियडिज्म, यानी लाइट की लेंथ. ठीक है, तो जब प्लांट एक लाइट की लेंथ के लिए रिएक्शन देता है या रिस्पॉन्स देता है, दैट इज़ वॉट कॉल दी फोटो पीरियडिज्म. सीधी भाषा में कहें तो किसी प्लांट को ज़रूरत होती है 8 घंटे के लाइट की, ठीक है, किसी प्लांट को ज़रूरत होती है 12 आवर्स के लाइट की, कोई प्लांट जो है 16 आवर्स के लाइट में फ्लावर करता है. तो ये जो 16 आवर्स की लाइट, 12 आवर्स की लाइट, 8 आवर्स की लाइट, ये सब क्या है? ये सब ड्यूरेशन है. किसका ड्यूरेशन? लाइट का. लाइट को हम क्या कहते हैं? फोटो कहते हैं. दैट इज़ व्हाट कॉल दी फोटो का ड्यूरेशन, दैट इज़ फोटो पीरियडिज्म. तो एक प्लांट का रिएक्शन फोटो पीरियडिज्म के लिए कैसा होता है, दैट इज़ व्हाट कॉल दी फोटो पीरियडिज्म मैकेनिज्म. जब हम फोटो पीरियडिज्म में कहते हैं तो यहाँ पे मेनली हम रिएक्शन को स्टडी करते हैं प्लांट की. और वो रिएक्शन किसके लिए होता है? या तो डे लेंथ के लिए हो सकता है या तो नाइट के लिए हो सकता है. यानी ज़रूरी नहीं है प्लांट को हमेशा लाइट की ही ज़रूरत हो. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको कि लेस लाइट की ज़रूरत है, ठीक है, एंड मोर डार्क की ज़रूरत है. या फिर आप कह सकते हो कि दैट इज़ ऐसे प्लांट जिनको कि लाइट की ज़रूरत कम है. कम है मीन्स ऑब्वियसली उनको डार्क ड्यूरेशन की ज़्यादा ज़रूरत है. क्योंकि किसी भी प्लांट को आप स्टडी कीजिए, अगर एक दिन के बेसिस पे कहते हैं तो आप 24 आवर्स का साइकिल ही स्टडी कर सकते हैं. सबके पास 24 आवर्स ही होते हैं. अब उस 24 आवर्स में अगर हम ये कह रहे हैं कि उस प्लांट को लाइट की ज़रूरत कम पड़ रही है, दैट मीन्स उसको डार्क की ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है. अगर वो लाइट का ड्यूरेशन सिर्फ दैट इज 6 आवर्स का लेता है, तो जो बाकी रह गया है, लेफ्ट ओवर रह गया है, यानी दैट मीन्स उस पर्टिकुलर लेफ्ट ओवर ड्यूरेशन में उसको डार्क फेज की ज़रूरत है. तो दिस इज़ वॉट द होल थिंग रिगार्डिंग द फोटो पीरियडिज्म. फोटो पीरियडिज्म में एक कंसेप्ट आता है क्रिटिकल फोटो पीरियड का. वॉट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल फोटो पीरियड? क्रिटिकल फोटो पीरियड एक ऐसा ड्यूरेशन ऑफ लाइट होता है जिसके अबव और बिलो एक प्लांट फ्लावर नहीं करता है, ठीक है. यानी द डेफिनेट डे लेंथ लाइट पीरियड अबव और बिलो विच प्लांट नेवर ब्लूम इज नोन एज अ क्रिटिकल फोटो पीरियड. यानी एक ऐसा लिमिट होता है जिससे अगर ज़्यादा आप दे दें लाइट या कम दे दें तो प्लांट फ्लावर नहीं करेगा. यानी आप ये कह सकते हो दिस इज़ अ एक्यूरेट पॉइंट. इतनी लाइट यानी क्रिटिकल फोटो पीरियड के बराबर लाइट प्लांट को चाहिए तभी वो फ्लावर करेगा. क्योंकि हम यहाँ फ्लावरिंग ट्रांजिशन पढ़ रहे हैं, मतलब कि फोटो पीरियडिज्म इज सम हाउ रिक्वायर फॉर द फ्लावरिंग पर्पज. तो अगर एक प्लांट को दैट इज आप जो है क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज़्यादा देंगे या फिर कम देंगे लाइट, तो वो फ्लावर नहीं करेगा. दिस इज वॉट दिस पॉइंट इज वॉट कॉल दी क्रिटिकल फोटो पीरियड. या फिर आप कह सकते हो द लॉन्गेस्ट फोटो पीरियड एट विच प्लांट विल फ्लावर और बियॉन्ड और अबव विच दे विल नॉट. यानी एक ड्यूरेशन ऑफ लाइट जिस पे एक प्लांट फ्लावर कर जाएगा, और उससे ज़्यादा दे दिया आपने लाइट या उससे उस पॉइंट से कम दे दिया लाइट, तो वो कभी भी फ्लावर नहीं करेगा. दिस इज़ वॉट द कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल फोटो पीरियड. लेकिन यहाँ पे भी बहुत सी बातें आती हैं, क्योंकि हर प्लांट का क्रिटिकल फोटो पीरियड डिफरेंट हो सकता है. ये नहीं कि आपने एक्स प्लांट लिया, वाई प्लांट लिया, जेड प्लांट लिया, सबका आपको फोटो पीरियड बराबर मिले. नहीं, इन सभी प्लांट्स का दैट इज़ फोटो पीरियड डिफरेंट हो सकता है. सॉरी, इट शुड बी क्रिटिकल फोटो पीरियड जो है, क्रिटिकल फोटो पीरियड CPP डिफरेंट हो सकता है, सबका सेम नहीं होगा. अब इसी के बेसिस पे हमने क्या किया है, फोटो पीरियडिज्म के बेसिस पे हमने प्लांट्स को डिवाइड कर दिया है. पहले का नाम है लाइट लॉन्ग डे प्लांट, दैट इज LDP. नेक्स्ट इज द शॉर्ट डे प्लांट SDP एंड थर्ड इज द डे न्यूट्रल प्लांट. अब इन प्लांट्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जरा सा देख लेते हैं. पहले आते हैं हमारे लॉन्ग डे प्लांट. लॉन्ग डे प्लांट कौन से प्लांट होते हैं? देखिए, नाम से देख रहे हैं आप, लॉन्ग डे यानी जिनको बहुत ज़्यादा दैट इज लेंदी लाइट ड्यूरेशन की ज़रूरत होगी, ठीक है. यानी लाइट ड्यूरेशन जो होगा, लाइट ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा आपको लार्ज मिलने वाला है, राइट. दिस विल बी लार्ज, ठीक है. सो द प्लांट इन विच फ्लावरिंग रिक्वायर्ड द मोर एक्सपोजर टू लाइट दैट इज अबाउट द क्रिटिकल फोटो पीरियड
देन इट्स ड्यूरेशन आर कॉल्ड द लॉन्ग डे प्लांट। अभी हमने कहा कि क्रिटिकल फोटो पीरियड एक प्लांट के लिए एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके बराबर लाइट उसको चाहिए होती है, उससे ज़्यादा या कम हो गई तो वो प्लांट फ्लावर नहीं करेगा। इसी केस में एक प्लांट ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई, हमें क्रिटिकल फोटो पीरियड के बराबर का लाइट नहीं चाहिए, हमें क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज़्यादा का लाइट चाहिए। जैसे मैंने कहा बहुत से एक्सेप्शन है, तो लॉन्ग डे प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनका रिक्वायरमेंट ऐसा होता है कि उनको क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज़्यादा ड्यूरेशन की लाइट चाहिए, जिसे हम कहते हैं अबव द क्रिटिकल फोटो पीरियड। ज़्यादा ड्यूरेशन की लाइट मिलेगी दैट मीन्स वॉट, वो लगभग जो है उसके बाद ही फ्लावर करेंगे, अदरवाइज वो फ्लावर नहीं करेंगे। यानी हम कह सकते हैं इनके लाइट की ड्यूरेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। और अगर हम 24 आवर्स का साइकिल रन करते हैं, ऑब्वियसली दिन 24 आवर्स का ही होता है, राइट? तो 24 आवर्स का जब हम साइकिल रन करते हैं तो हम कह रहे हैं कि दैट इज लॉन्ग लाइट ड्यूरेशन होगा। इसका मतलब ये हो गया कि 12 घंटे से ज़्यादा का लाइट होगा, क्योंकि 12 आवर्स की लाइट 12 आवर्स का डार्क हम करेंगे वो तो इक्वल हिस्से में बढ़ जाएगा, तो वो तो ज़्यादा और कम का फिर कंसेप्ट रहा नहीं। यानी हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा यानी 12 आवर्स से ज़्यादा की लाइट है। सो इसे हम शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट या शॉर्ट नाइट प्लांट भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर दिन का लेंथ इसको ज़्यादा चाहिए तो ऑब्वियसली इसको नाइट का लेंथ कम पड़ेगा, क्योंकि अगर 24 घंटे में से अगर ये 20 घंटे की लाइट ले लेता है, ठीक है, 20 आवर्स की अगर ये लाइट लेता है इन केस, तो इसके पास डार्क ड्यूरेशन कितना बच गया, डार्क के लिए बच गया इसके पास सिर्फ 4 आवर्स। तो ऐसे प्लांट्स को आप क्या बोलोगे, ऐसे प्लांट्स को बोलोगे कि भाई ये लॉन्ग डे प्लांट्स है ऑब्लिक ये शॉर्ट नाइट्स प्लांट है, ठीक है। जैसे कि इन द केस ऑफ लॉन्ग डे प्लांट द डे लेंथ विच इनिशिएट द फ्लावरिंग मस्ट बी मोर देन द क्रिटिकल फोटो पीरियड। तो इसीलिए इनको लॉन्ग डे प्लांट कहा गया, क्योंकि इनको क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज़्यादा का लाइट चाहिए होता है। डे लेंथ इज मोर देन 12 आवर्स, वेरी ऑब्वियस, तभी हम इसे लॉन्ग डे कहेंगे, अदरवाइज 12 आवर्स डार्क 12 आवर्स लाइट दोनों इक्वल हो जाएगा, फिर तो लॉन्ग डे और शॉर्ट डे का कोई कंसेप्ट ही नहीं रहेगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, ऑल दो एग्जाम्पल आपके एग्जाम्स में पूछे नहीं जाते हैं, बट एक क्लियर कट आइडिया के लिए आप देख सकते हैं, जैसे कि हो गया रेडिश, क्लोव्स, स्पिनिश, शुगर बीट, यहाँ पे मैंने पिक्चर्स लगा के रखे हैं, ये सारे के सारे प्लांट्स लॉन्ग डे प्लांट्स में कंसिडर किए जाते हैं। नाउ लेट्स मूव टू दी शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट की कहानी वही है लेकिन उल्टा है। ये एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको लेस एक्सपोजर ऑफ लाइट की जरूरत पड़ती है, यानी बिलो द क्रिटिकल फोटो पीरियड। हमने क्रिटिकल फोटो पीरियड का डेफिनेशन क्या पढ़ा, दैट इज प्लांट्स अपने क्रिटिकल फोटो पीरियड के बराबर की लाइट को लेकर ही ब्लूम करते हैं, उसके अबव और बिलो नहीं करते हैं। जैसे मैंने कहा, बट देर आर सम प्लांट क्या करेंगे, वो उनको अपने क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम की लाइट चाहिए, ठीक है। तो उनको अपने क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम की लाइट चाहिए, बिलो द क्रिटिकल फोटो पीरियड उनको लाइट चाहिए, तभी ये फ्लावर करेंगे। और इन प्लांट्स को हम कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स, दैट मीन्स दे रिक्वायर लेस लाइट, राइट? इनको लाइट की रिक्वायरमेंट कम होती है, डार्क की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, डार्क की रिक्वायरमेंट मोर होती है। यानी हम इनको क्या कह सकते हैं, अगर 24 आवर्स का हम यहाँ भी साइकिल चलाते हैं, 24 आवर्स का अगर यहाँ साइकिल हम चलाते हैं, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ये शॉर्ट डे ऑब्लिक लॉन्ग नाइट प्लांट है। क्योंकि अगर मैं ये एज्यूम करूँ कि भाई 16 आवर्स का ये डार्क पीरियड ले रहा है, 16 आवर्स का अगर ये डार्क पीरियड ले रहा है, तो जो बच गया ड्यूरेशन वो किसका रह जाएगा, वो रह जाएगा लाइट का, ठीक है। जो लेफ्ट ओवर रह गए यहाँ पे, दैट इज 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, राइट? यानी लगभग हो गया आपके 8 घंटे, ठीक है। 16 के बाद का जितना भी बचता है 24 में से, दैट इज व्हाट कॉल दी, वो उसका क्या हो जाएगा, लाइट पीरियड हो जाएगा। तो 8 घंटे की उसको लाइट चाहिए, 16 घंटे का उसको डार्क चाहिए। दिस इज जस्ट अ कंसिडरेशन, ऐसा नहीं है कि यही होगा, मैं आपको बस कंसिडर करके समझाने की कोशिश कर रही हूँ एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर। दिस इज नॉट एग्जैक्टली द कंडीशन, कहने को एक प्लांट को 14 आवर्स का भी डार्क चाहिए हो सकता है, कोई प्लांट को 20 आवर्स का भी डार्क पीरियड चाहिए हो सकता है। तो नीड जो है वो चेंज होती रहेगी, मैं आपको बस एक कंसिडर करके बता रही हूँ। तो ये सारे प्लांट्स को जो है लेस लाइट चाहिए, दैट इज लेस देन क्रिटिकल फोटो पीरियड। सो हम इसे कह सकते हैं कि इनको 12 घंटे से कम की लाइट चाहिए, क्योंकि इनको डार्क ज़्यादा चाहिए, दैट मीन्स 12 घंटे से कम की इनको लाइट चाहिए। अब एग्जांपल के लिए हो जाता है राइस, सोयाबीन, टोबैको, क्राइसम थेमम,
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे के सारे प्लांट्स जो हैं दैट इज दे आर द टाइप ऑफ अ शॉर्ट डे प्लांट्स। फिर थर्ड में हमारे पास आते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स, एकदम मस्त रहने वाले प्लांट्स जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि उनको कितने ड्यूरेशन ऑफ लाइट मिल रही है, क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज़्यादा की मिल रही है, कम की मिल रही है, कितने आवर्स की मिल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दे फ्लावर इररेस्पेक्टिव टू द डे लेंथ, कोई भी कितना भी लाइट इनको देते ये नॉर्मली फ्लावर करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हो गया पी प्लांट हो गए, ठीक है, सनफ्लावर हो गए, कॉमन बीन हो गया, इसके अलावा टोमेटोज हो गए, कुकुम्बर हो गया, ये सारे के सारे प्लांट जो हैं दैट इज दे आर टर्म्ड एज अ डे न्यूट्रल प्लांट, कभी भी आपको मिल जाएंगे, किसी भी मौसम में आपको देखने को ये मिल सकते हैं बिकॉज इनको कोई स्पेसिफिक लाइट नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, अब आते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स में ये देखा गया है कि अगर हम शॉर्ट डे प्लांट्स एंड लॉन्ग डे प्लांट्स को अगर लाइट ड्यूरेशन के बेसिस पे डिवाइड करें तो क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स पे। मेक श्योर शॉर्ट डे प्लांट का डार्क फेज क्रिटिकल माना जाता है, यानी इन केस अगर आपने एसडीपी प्लांट के अगर डार्क फेज को डिस्टर्ब किया, ठीक है, डार्क फेज को अगर आपने डिस्टर्ब किया तो क्या देखने को मिलेगा कि फ्लावरिंग हॉल्ट हो जाएगी, नो फ्लावर, क्योंकि इसका दैट इज योर डार्क फेज क्रिटिकल माना जाता है, दैट इज वाई। तो देखने वाली कहानी यहाँ पे ये है, मान लीजिए ये मैंने आपके सामने एक टीनेट बना के रखा हुआ है, यहाँ पे 12 आवर्स पे हमने क्रिटिकल फोटो पीरियड माना है कि 12 आवर्स का क्रिटिकल फोटो पीरियड है। तो अब देखिए ये जो येलो पोर्शन है दैट इज फॉर लाइट, ग्रे पोर्शन दैट इज फॉर डार्क। तो हमने क्या किया है, पूरे ये टीनेट 24 घंटे का है, 12 घंटे पे हमने क्रिटिकल फोटो पीरियड पॉइंट लगा दिया यहाँ पे। अब है ये शॉर्ट डे प्लांट लेकिन मैं इसको लाइट दे रही हूँ 12 घंटे से ज्यादा का, तो क्या हुआ, कभी क्या ये फ्लावर करेगा, नो, दिस इज नो फ्लावरिंग, राइट, फ्लावर नहीं करेगा। इसके बाद सेकेंड कंडीशन में मैंने क्या किया है, लाइट के ड्यूरेशन को 12 घंटे से कम का कर दिया है। यू कैन सी हियर लाइट का ड्यूरेशन लेस देन 12 आवर्स हो गया तो ये फ्लावरिंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि इसके डार्क का ड्यूरेशन मोर देन 12 आवर हो गया है। और हमने यही कहा था कि शॉर्ट डे प्लांट्स को ज़्यादा डार्क फेज की ज़रूरत होती है, तो डार्क फेज ज़्यादा मिल गया तो ये फ्लावरिंग कर गया। जब आप थर्ड वाला यहाँ पे ग्राफ देख रहे हो तो ये ग्राफ बिल्कुल सेकेंड वाले जैसा ही है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या किया है कि डार्क फेज को लगातार नहीं चलने दिया है, बीच में थोड़ी देर के लिए लाइट दे दिया गया है जिसे हम बोलते हैं नाइट ब्रेक। तो नाइट ब्रेक होने के कारण क्या हुआ है कि ये शॉर्ट डे प्लांट एज बिकॉज इसका डार्क फेज क्रिटिकल है तो इसने फ्लावरिंग किया ही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं लॉन्ग डे प्लांट पे। लॉन्ग डे प्लांट का लाइट फेज क्रिटिकल होता है, लेकिन ये देखा गया है कि अगर आप इसके लाइट फेज को बहुत ही स्मॉल ड्यूरेशन के लिए डिस्टर्ब भी करते हो ना तो इन प्लांट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो डिस्टर्बेंस अगर बहुत ज़्यादा लंबी है तब इन प्लांट्स में थोड़ा सा आपको लाइक बिहेवियर में एज वेल एज फ्लावरिंग टाइम में डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए करते हो लगभग इतने ड्यूरेशन के लिए तो इनके लाइट फेज को डिस्टर्ब करने का कोई फायदा नहीं है, इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और डार्क फेज में तो क्या ही इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि इनका डार्क फेज क्रिटिकल होता ही नहीं है। तो यू कैन सी हियर कि ये लॉन्ग डे प्लांट के लिए मैंने ग्राफ बना रखा है, यहाँ पे जब लाइट का ड्यूरेशन मोर देन 12 आवर्स का है, यू कैन थिंक 12 आवर्स तो ये रहा, ये जब मोर देन 12 आवर्स का है तो यहाँ पे फ्लावरिंग हो रही है, राइट। लेकिन अगर हम बात करते हैं बी यहाँ पे ग्राफ की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है क्योंकि 12 घंटे से कम का लाइट मिल रहा है और लॉन्ग डे प्लांट को क्या चाहिए, मोर देन 12 आवर्स की लाइट, तो यहाँ पे क्या होगी, फ्लावरिंग नहीं हो रही है। और अगर आप यहाँ पे वापस से देखते हैं तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे जब हमने लॉन्ग डे प्लांट के केस में ऑल दो ड्यूरेशन यहाँ कम है, लाइट का ड्यूरेशन यहाँ पे लेस देन 12 है तो फ्लावरिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन डार्क फेज में जो हम नाइट ब्रेक कर दे रहे हैं जिसकी वजह से ये जो कमी था यहाँ पे, ये कमी को यहाँ पे कंपनसेट कर लिया जा रहा है, तो जो भी यहाँ की रिक्वायरमेंट थी यहाँ की रिक्वायरमेंट इस नाइट ब्रेक से कंपनसेट हो जा रहा है, यानी ओवरऑल अगर कहें तो 12 घंटे से ज़्यादा की लाइट हो जा रही है, एंड दैट इज़ वाई दिस पर्टिकुलर फ्लावर विल बी सीन, और ये पर्टिकुलर केस जो है फ्लावरिंग कंडीशन को शो करेगा। तो अगर आप एसडीपी प्लांट में डार्क फेज को डिस्टर्ब करोगे फ्लावरिंग कंडीशन नहीं देखने को मिलेगा, और ये सारे टीनेट से आपको एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने का यहाँ मौका मिलता है।